दोस्तों बात करेंगे एवानाफिल की। एवानाफिल एक ड्रग जो कि इरेक्शन की प्रॉब्लम में चलता है, जिनके लिंग में ढीलापन है उनको ये दिया जाता है। तो समझेंगे ये क्या है, कब कब लेना है, क्या सावधानियाँ रखना है, कैसे लेना है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को देखते रहें पूरी जानकारी के लिए। अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा अक्सर सिलडेनाफिल, वार्डेनाफिल, टाडालाफिल ये सब होते हैं, ये सब इसके भाई हैं, ठीक है। तो ये ड्रग भी उसी क्लास का है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इरेक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होता है। कई लोग कहते हैं भाई ये टाइमिंग को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ाता। कोई मेडिकल वाला आपको दे रहा है ये बोल कि भाई आपका एक घंटे दो घंटे का टाइम खिंच जाएगा, वो भी खूब बना रहा है, ठीक है। उसकी बातों पर यकीन नहीं करना है, उसके मुँह पर पत्ता फेंक के मारो भाई कि ये कहाँ लिखा है बताओ मुझे, ठीक है ना। तो ये टाइम को नहीं बढ़ाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इरेक्शन के लिए होता है। जिन लोगों के लिंग में ढीलापन है, सेक्स करने जाते हैं टाइटनेस नहीं आ पाती है, तो जाहिर सी बात है सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकते आप। तो सिर्फ और सिर्फ इरेक्ट करने के लिए होता है ये ड्रग। दूसरी चीज़ ये जो है PDE5 फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, और उसका काम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, छोटा मोटा मोटा हिसाब आपको लग जाए। तो एवानाफिल मार्केट में आपको 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के टैबलेट्स के रूप में मिलता है, सिर्फ ओरल ही चलता है, इंजेक्शन वगैरह नहीं आता, किसी का भी नहीं आता, ठीक है ना। सो मार्केट में कई तरह के ब्रांड्स हैं। एवानाफिल आपने सुना होगा, एवानायर या एवानेक्स्ट या बोले तो एवाना, या एक बहुत कॉमन और फेमस ब्रांड नेम है स्पेंड्रा, ठीक है ना। तो ये सारे ब्रांड नेम्स आते हैं, सबके अंदर होता क्या है, एवानाफिल। अब बात आती है भाई कि सिलडेनाफिल भी है मार्केट में, टाडालाफिल भी है, तो ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, जब इतने सारे ड्रग्स ऑलरेडी हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सबकी अलग अलग पोटेंशी है, सबकी अलग अलग वायबिलिटी, हाफ लाइफ होती है। तो भाई कोई कब यूज़ करते हैं, कोई कब, ये सारे के सारे ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन पर चलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलती, OTC की तरह चलती हैं, ओवर द काउंटर चलती हैं, आदमी खुद से आकर खरीद लेता है, लेकिन नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है, ये डेली यूज़ के लिए नहीं होती है, डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, चाहे वो आप टाडालाफिल लो, सिलडेनाफिल लो, या वार्डेनाफिल या एवानाफिल, डेली यूज़ करोगे मर जाओगे। दूसरी बात, ये हाइपरटेंशन वाले रोगियों के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, जिनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको तो दूर रहना चाहिए, ठीक। बात कर रहे थे कि ये क्यों दिया जाता है। देखो इसकी पोटेंसी बहुत अच्छी है, पोटेंसी बोले तो इसका मोर जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। इसका असर लगभग लगभग आपके शरीर में 6 से 7 घंटे तक रहता है। सिलडेनाफिल और वार्डेनाफिल, टाडालाफिल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, वो 1-2 घंटे के अंदर ही उनका इफेक्टनेस ख़त्म हो जाती है। सो अगर अपने ये कहें कि भाई टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो जो लोग वीडियो बनाते हैं इस तरह की, तो वो कह सकते हैं कि आपकी 6 से 7 घंटे की टाइमिंग बढ़ाएगा, लेकिन वो टाइमिंग नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ इरेक्शन को बढ़ाएगा, मतलब कि लिंग के अंदर कड़कपन या हाँ बोले चाहिए कि टाइटनेस को रखेगा बना के। और दूसरी बात, जो अपन टाडालाफिल सिलडेनाफिल लेते हैं वो लगभग 1-1.5 घंटा पहले लेना पड़ता है कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी काम करता है। आप इसे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले भी लेंगे तो ये काम करता है। तो यही इसकी खासियत होती है। काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं। ये बेसिकली दोस्तों ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उनमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है आपने शरीर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, नसें हैं, खून बह रहा है, तो जहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात मैंने कई वीडियो बनाई हैं, उन्होंने बताया कि भाई लिंग में इरेक्शन कैसे आता है, उत्तेजना लिंग खड़ा कैसे होता है, बताया है कि लिंग में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वहाँ की नसें जो है इरेक्ट हो जाती हैं। तो बढ़ती हुई उम्र या डाइट की वजह से लोगों में ये कमजोरी आ जाती है, तो ये वही काम कर रहा है। लिंग की जो नसें हैं अंदर की, जो कॉपर्स कैवर्नोसम ये सब आपने सुना होगा, इनके अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और फिर वहाँ पे इरेक्शन लेके आता है, ठीक। सिर्फ आपके लिंग में इरेक्शन लाएगा, टाइमिंग को नहीं बढ़ाएगा, या आप सोचो हमारा टाइम बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सावधानियों की बात की जाए तो देखो, हार्ट की डिजीज़ अगर आपको है तो बिल्कुल मत लेना, शराब के साथ नहीं लेना है, अवॉइड करना है। कई लोग होते हैं कि भाई शराब पी ली है, अब 2-3 घंटे बाद हम व्याग्रा या टाडालाफिल, सियालिस, मेगालिस कुछ भी ले लो, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं चीज़ें।
अगर आप व्यक्ति को ऐसे अभी टेम्पररी तो नहीं है कोई हार्ट की बीमारी है, ब्लड की बीमारी, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई उसको पहले रही है, हिस्ट्री रही है, तो भी ऐसे लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक लेना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात की जाए, साइड इफेक्ट के लिए फेमस होती हैं दवाइयाँ, साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। तो भाई देखो, आपको फैटेग होगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, बैक पेन होगा, हो सकता है आपका सर दर्द भी हो, और दो तीन दिन तक वीकनेस बनी रहे, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं और ये होते ही हैं, कंपलसरी है। ठीक, डोजेस की बात की जाए तो डोज यही है कि आपको कभी भी जब सेक्स करना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन डेली नहीं लेना, डेली नहीं लेना है, डेली लोगे बहुत पछताओगे। तो महीने में एक दो बार, 15 दिन में ऐसे ले लो, बाकी मैं इन चीज़ों को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। और भी कई तरीके हैं जिनसे आप अपना इरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। ठीक, अगर लेना भी है तो डॉक्टर की सलाह से लो। तो 50 मिलीग्राम तो शुरुआत की जाती है, 50 मिलीग्राम दिया जाता है पहले, फिर धीरे धीरे 100 तक पहुंचा जाता है। पानी के साथ लेना, तोड़ना चबाना नहीं है, खाने के बाद लेना है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के 15 मिनट पहले लेना है। तो ये होता है क्या एवानाफिल। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है, ज़रा भी पसंद आया यहाँ तक हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा लगता है। और मिलता हूँ दूसरे वीडियोज़ में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।